नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार। सरकार के आदेश पर पुनः गेहूं खरीद के कार्य के पहले ही दिन सुनसान नजर आई मंडियां। अधिग्रहण की गई जमीन का मुआवजा न मिलने से खफा किसानों ने जताया रोष। हर खेत स्वस्थ खेत मुहिम के तहत किसान सहायकों द्वारा लिए जा रहे हैं मिट्टी के नमूने। बाबा साईं दास के निर्वाण दिवस पर हुआ विशाल भंडारे का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। सरकार के आदेश पर सोमवार से मंडियों में दोबारा 10 दिन के लिए गेहूं खरीद का कार्य शुरू किया गया, लेकिन क्षेत्र में गेहूं कटाई का सीजन काफी दिनों पहले ही खत्म होने के कारण अनाज मंडियां सुनसान नजर आ रही हैं। मंडी सुपरवाइजर मनोज कुमार ने बताया कि सरकार के आदेशानुसार आज से दोबारा गेहूं खरीद का कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि जो भी किसान मंडी में बिक्री के लिए फसल लेकर पहुंचेगा उसके नियमानुसार खरीद की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि इस बार मौसम की मार के कारण रादौर व इसके अधीन आने वाली जठलाना व गुमथला अनाज मंडी में आवक में कमी दर्ज की गई है। मार्केट कमेटी से मिली जानकारी के अनुसार 2021 के सीजन में तीनों मंडियों में कुल 6,19,065 क्विंटल गेहूं की आवक हुई थी, जबकि इस वर्ष 3,90,125 क्विंटल आवक ही मंडी में हुई है। मंडी में गत वर्ष की अपेक्षा इस बार आवक में 37% तक की कमी दर्ज की गई है। देखिए, जैसा विभिन्न माध्यमों से पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कल घोषणा की गई कि सरकार आगे भी गेहूं खरीद को जारी रखेगी, तो उसके अनुसार कोई भी किसान अगर मंडी में फसल लेकर आता है तो सरकार की हिदायत अनुसार उसकी खरीद करवाई जाएगी। देखिए, अभी पिछले 3-4 दिनों से रादौर मंडी, जठलाना या गुमथला में आवक नहीं हुई है, तो अभी तो इस बारे में नहीं बोला जा सकता, लेकिन हाँ, अगर कोई किसान आता है मंडी में अपनी फसल लेकर तो नियमानुसार उसकी खरीद, जो मंडी में अपनी फसल लेकर आए, 8 से 10 क्विंटल तक का उत्पादन प्रति एकड़ हुआ है, जिसकी वजह से गेहूं का उत्पादन घटा है। देखिए, रादौर मंडी में इस वर्ष लगभग 63% अगर पिछले वर्ष की तुलना में हम देखें तो उसकी गेहूं की आवक दर्ज की गई है। यमुना नदी के नगली घाट पर करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जा रहे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए अधिग्रहण की गई जमीन के मुआवजे को लेकर सोमवार को क्षेत्रीय किसानों ने लोक निर्माण विभाग के प्रति अपना रोष जाहिर किया। इस मौके पर गुस्साए किसानों ने विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली से खफा होकर प्रदर्शन भी किया। स्थानीय किसान मायाराम, राजकुमार, करमबीर, शुभम, हरजीत सिंह आदि ने बताया कि यमुना नदी पर ओवरब्रिज के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिस पर लगभग 3 वर्ष से निर्माण कार्य भी जारी है, लेकिन अभी तक किसानों की अधिग्रहण की गई जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि मुआवजा पाने के लिए वे विभाग के दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि इस अधिग्रहित की गई जमीन का पिछले 3 वर्ष से न तो कोई मुआवजा उन्हें मिला है और न ही वह इस जमीन पर खेती कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में किसानों ने जल्द ब्याज सहित मुआवजा राशि जारी न किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही हर खेत स्वस्थ खेत मुहिम के तहत किसान सहायकों की ओर से खेत से मिट्टी के नमूने लेकर उनकी जांच करने का कार्य किया जा रहा है। सोमवार के दिन सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी डॉक्टर नरेश भारद्वाज ने छोटाबांस में बगाना में किसान सहायकों द्वारा मिट्टी के नमूने लेने के कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसान सहायकों को मिट्टी के नमूने लेने की विधि भी बताई। डॉक्टर नरेश भारद्वाज ने बताया कि गाँव स्तर पर किसानों के खेतों की मिट्टी की जाँच के लिए किसान सहायक नियुक्त किए गए हैं। यह किसान सहायक किसानों के खेतों से मिट्टी लेकर उसकी जाँच कराएंगे। उन्होंने बताया कि मिट्टी के नमूने लेने के लिए गाँव से ही किसान सहायक लगाए गए हैं, उनके द्वारा ही किसान के खेत की मिट्टी उठाई जाएगी व सोयल हेल्थ कार्ड भी उन्हीं के द्वारा वितरित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मिट्टी के नमूने लेने के लिए किसान को प्रति एकड़ 10 रुपये की रसीद कृषि विभाग द्वारा कटवानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मिट्टी जांच करवाने से किसानों को अपनी ज़मीन में उपस्थित पोषक तत्व जैसे पीएच, जैविक कार्बन, यूरिया, डीएपी, पोटास व सूक्ष्म तत्व इत्यादि के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है, जिससे किसान संतुलित खाद का प्रयोग कर अपने खेत की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। रादौर के मेन बाजार वार्ड नंबर 11 में सोमवार को बाबा साईं दास के निर्वाण दिवस पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर राजकुमार गोसाई ने बताया कि बाबा साईं दास एक महान संत थे। बाबा साईं दास गुरु नानक देव जी के समकालीन संत हुए हैं, जिन्होंने गोसाई पंथ की स्थापना की। उन्होंने बताया कि बाबा साईं दास की पाकिस्तान गुजरांवाला प्रांत के बद्दों की गोसाइयाँ तपस्थली रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष बाबा साईं दास के निर्वाण दिवस के उपलक्ष में भजन कीर्तन का आयोजन कर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। रादौर व आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।